अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को दोनों दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ भी कुक नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं और वो भी एक हेल्दी वे में। जिस तरह से आप मार्केट से मिक्स वेजिटेबल्स के पैकेट लेके आते हैं, उस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको स्टोर करें। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, जिससे ये टेस्ट में भी बिल्कुल सेम इसी तरह रहेंगी जिस तरह से फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, और इनका कलर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत से लोग फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं और बहुत से लोग ग्रॉसरी के साथ ही वेजिटेबल्स को भी परचेज़ करते हैं और फिर इनको स्टोर करते हैं। तो जो लोग इस तरह से स्टोर करते हैं वेजिटेबल, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये सारी वेजिटेबल्स मौजूद हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इनको कट करेंगे। सबसे पहले मैं ये धनिया और पुदीना है, इसको मैंने पहले से ही साफ करके कट करके रख लिया था, लेकिन इसको मैंने वॉश नहीं किया। धनिए को और पुदीने को स्टोर करने के लिए आप इसको वॉश मत करें, आप इसको इसी तरह से कट करके रख लें। एक सेक्शन में हम पुदीना रखेंगे और दूसरे में हम धनिया रखेंगे। सबसे पहले हमने इसके नीचे टिश्यू पेपर रख लिए। आप इसके नीचे टिश्यू पेपर रखें जो इसकी नमी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स लेके उसमें टिश्यू पेपर रख के हम एक सेक्शन में धनिया और एक सेक्शन में पुदीना रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप अलग अलग बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये हो जाएगा कि थोड़ी जो है स्पेस जो है वो कम लेगा। तो मैं एक ही बॉक्स में इसको सेव कर रही हूँ। तो देखिए, ऊपर भी मैं टिश्यू के पेपर रख दूँगी ताकि ये इसको जो इसके अंदर पानी आए, नमी आए, वो टिश्यू इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। और इसको मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, इसको मैं नीचे वाले फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में ही स्टोर करूँगी। तो सबसे पहले हम मटर ले लेते हैं। तो मटरों को मैं निकाल लूँगी। मटर मैंने सारे रख लिए थे धो के। तो जब भी आप वेजिटेबल्स को कट करने लगें, जब भी वेजिटेबल का यूज़ करने लगें आप, तो आप उसको सबसे पहले वॉश कर लिया करें। तो देखिए, मटर मैंने सारे निकाल लिए हैं, इसको मैं साइड पे कर दूंगी। उसके बाद जी हम लेंगे अपनी दूसरी वेजिटेबल। इसमें हम लेंगे शिमला मिर्च और शलजम। शलजम को भी हम कट करके स्टोर कर लेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि शलजम को कट करके फिर इनको बॉईल करके तो स्टोर कर लेते हैं। तो बिल्कुल इनको इस तरह से भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन मैं इनको इस तरह से स्टोर नहीं करती क्योंकि फिर वो फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। फिर अगर इनको बॉईल कर लें तो इनको किसी बॉक्स में स्टोर करना पड़ता है। तो मैं इस तरह से नहीं करती, मैं इनको कट करके तो इसी तरह से इनको स्टोर कर दूंगी किसी पैकेट में डाल के। शलजम को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। याद रहे, आप सारी सब्जियों को पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया करें ताकि इनके जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और पहले वॉश करने का ये फ़ायदा होता है कि जब आपने इनको स्टोर करना हो तो आप इनको पहले वॉश करें। अगर आप इनको बाद में वॉश करेंगे तो इनके अंदर नमी रहेगी, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे आप। तो मैंने इनको पहले से ही अच्छी तरह से मल मल के साफ़ कर लिया था और ड्राई हो गए थे ये। तो उसके बाद मैंने इनको कट कर लिया। इसको साइड पे कर देंगे। अब आती है जी शिमला मिर्च की बारी। शिमला मिर्च को भी कट कर लेंगे। और शिमला मिर्च जो है इसको मैं स्टोर करती हूँ अमूमन पास्ता के लिए। तो पास्ता के पैकेट बनाऊँगी या कभी पिज़्ज़ा में यूज़ करना हो तो क्या करेंगे, इसके मैं हाफ़ जो शिमला मिर्च है उसके क्यूब कट कर लूँगी और कुछ जो शिमला मिर्च है उसको मैं स्लाइसिस में रहने दूँगी, क्योंकि कभी हमें ये स्लाइसेस में भी चाहिए होती है और कभी हमें क्यूब कट में भी चाहिए होती है। तो मैं दोनों तरीके से इसको कट करके स्टोर कर लूँगी। अभी मेरे पास शिमला मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम है, इससे पहले मैंने काफ़ी शिमला मिर्च पहले से भी स्टोर की हुई है। बाकी की अभी मैं जो मेरे पास थी ये बाकी ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी अगर आप इसको यूज़ ना करें, तो ये भी मैं कट करके तो स्टोर कर लूँगी। तो देखिए, इसको इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया। कुछ मैंने स्लाइसेस रखी और कुछ मैंने क्यूब कट किए। इसको भी अब हम साइड पे कर देंगे। अब हम कट कर लेंगे गोभी को। गोभी को पहले से वॉश जाहिर है नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये फ्लावर की शेप में होती है तो ये पहले से वॉश तो हो नहीं सकती। इसको मैंने इसी तरह से रख दिया था। पहले हम इसके लीव्स कट कर लेंगे। तो गोभी को कट करने का भी एक तरीका होता है, आप गोभी के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस मत किया करें वरना वो
जब आप कुक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घुल जाती है और अच्छी नहीं कुक होती। तो आप देखिए इस तरह से गोभी के बड़े बड़े फ्लावर कट कर लें और इनको एक ही साइड से कट करें, अलग अलग शेप से इनको अगर आप कट करेंगे तो फिर भी ये गोभी जो है वो कुक होने के बाद घुल जाती है और अच्छी नहीं बनती। तो देखिए मैंने एक ही एंगल रख के सारी गोभी को कट कर लिया है। गोभी को कट करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करके हम इसको मैक्सिमम एक घंटे के लिए इसी बास्केट में रहने देंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। और ये जो आपको इसके ऊपर थोड़ी मैल नज़र आ रही है, इसको हम छुरी से कट कर लेंगे। ये सारी साफ़ करने के बाद मैं इसको वॉश करके ड्रेन होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम ले लेते हैं जी गाजर। गाजरों को हम अच्छी तरह से वॉश कर चुके हैं पहले से ही। मैंने सारी गाजरों को अच्छी तरह से वॉश करके इनको ड्राई कर लिया था। सबसे पहले मैं गाजरों को छील के रख लूँगी पीलर की मदद से। पीलर से थोड़ी हेल्प हो जाती है और ये जल्दी साफ़ हो जाएंगी। सारी गाजरों को मैं अच्छी तरह से साफ़ करके रख लूँगी और उसके बाद मैं इनकी कटिंग करूँगी। तो देखिए कैरेट हमारी साफ़ हो चुकी है, अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले वो कैरेट्स लेंगे जो हमें कुकिंग में चाहिए। इनको मैं क्यूब्स में कट करूँगी। आपको जिस भी शेप में रखनी हो आप उस शेप में इसको कट कर सकते हैं। मुझे मिक्स वेजिटेबल के पैकेट में इनको डालना है तो मैं इनको क्यूब्स में कट करूंगी। सारी वेजिटेबल्स मैं इस तरह से क्यूब्स में ही कटिंग कर रही हूँ। आपको जो भी शेप रखनी हो आप वो शेप रख सकते हैं। बाकी की कैरेट्स मुझे फ्रेश चाहिए, वो मैं खीर में यूज़ करूंगी। अगर आपको इसको भी स्टोर करना हो तो ये भी ईजिली स्टोर हो सकती है, इसको ग्रेट करके आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो खीर के लिए चाहिए थी इसलिए मैंने इनको उसी वक्त यूज़ कर लिया। लास्ट में हम पोटैटो को कट कर लेंगे। तो ये जी मेरे पास पोटैटो है। पोटैटो को स्टोर करने के लिए आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि आपको इसके छिलके उतारने से पहले ही इनको वॉश करना होगा। अगर आप इनके छिलके उतारने से पहले इनको वॉश नहीं करेंगे, बाद में इनको वॉश करेंगे तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे और ये काले हो जाएंगे। आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आप इनको स्टोर करने के लिए कटिंग कर रहे हैं तो आपको आलूओं को पहले वॉश करना होगा। इनके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, आप इसको मल मल के अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद इनको ड्राई होने दें। ड्राई करने के बाद आप इनकी कटिंग करें और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना वरना ये स्टोर नहीं होंगे अच्छे से। मैंने इनको पहले से ही वॉश करके रख लिया था और इनको ड्राई होने दिया था, उसके बाद मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। मुझे क्यूब में कटिंग चाहिए क्योंकि मैं वेजिटेबल स्टोर कर रही हूँ मिक्स वेजिटेबल के पैकेट में डालने के लिए, तो इसलिए मैं इसको क्यूब में कट करूँगी। आपको जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए आप उसी तरह से आप इसको शेप दे सकते हैं। तो मैं सारे पोटैटो क्यूब्स में कट कर लूँगी। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पोटैटो जो है वो इस तरह से स्टोर नहीं किए जा सकते, तो जी बिल्कुल स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन जिस वे में मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इस तरह से इसको स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होंगे, ये अच्छे से स्टोर होंगे। बस आपको इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि आपको इसको कटिंग करने से पहले और इसके छिलके उतारने से पहले इसको वॉश करना होगा, उसके बाद आपने इसको पानी नहीं लगाना। अब हम अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो शलजम थे उनको भी मैंने कटिंग करने से पहले ही वॉश कर लिया था। छिलके उतारने से पहले मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया था, उसके बाद मैंने इनको वॉश नहीं किया। इसको मैं अब इस स्टेज पे इसी तरह से स्टोर कर लूँगी। ये बिल्कुल ड्राई है और ये ख़राब नहीं होंगे, चाहे आप इनको 2 से 3 मंथ के लिए स्टोर करें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिपलॉक बैग में डाल के आप इनको स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो देखिए अब इस तरह से हम इनकी सारी एयर जो है उसको निकाल देंगे और इसको फ्लैट कर देंगे। उसके बाद मेरे पास जो शिमला मिर्च थी, मैं शिमला मिर्च के क्यूब्स और स्लाइसेस की दोनों कटिंग को एक साथ ही स्टोर करूंगी और मैं आपको बताती हूँ आप इसको किस तरह से स्टोर करें ताकि अगर आपको क्यूब्स में चाहिए आप वो भी ईजिली निकाल सकते हैं, स्लाइसिस चाहिए तो वो भी ईजिली निकाल लेंगे। जिस पैकेट में आप इसको स्टोर कर रहे हैं उसमें आप इसको डालें और उसके बाद आप इसकी एयर को निकाल दें और इस तरह से इसको फ्लैट कर दें। देखिए फ्लैट करने से आपको क्या आसानी होगी कि आप इजीली इसको, अगर आपको स्लाइसेस चाहिए तो स्लाइसेस भी निकल आएंगी और क्यूब्स चाहिए तो क्यूब्स भी निकल आएंगे। अब मैं मिक्स वेजिटेबल का पैकेट रेडी कर लूँगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले गोभी लेंगे। गोभी में हम थोड़ी गाजरें शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
गोभी का पानी मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। आपको इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि किसी भी वेजिटेबल में पानी नहीं होना चाहिए, तो आपको फील हो रहा होगा ये सारी वेजिटेबल्स बिल्कुल ड्राई हैं। तो इस तरह से मैं सारी वेजिटेबल्स का एक पैकेट रेडी कर लूँगी। ये हमारा हो गया जी मिक्स वेजिटेबल का पैकेट। रमज़ान में भी इस तरह से वेजिटेबल को स्टोर करके रख लेना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। रमज़ानुल मुबारक में टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, तो आपके लिए ये स्टोरेज जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप इसको सहरी और अफ्तारी में बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, एक हमारा 1 kg का पैकेट रेडी हो चुका है। अब हम अपने चलते हैं सेकेंड पैकेट की तरफ। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम गाजरें लेंगे थोड़ी, और इसमें थोड़े मटर शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। और ये हमारा हो गया आलू, गाजर और मटर का एक पैकेट। मटर सर्दियों में हर सब्जी में ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े सभी में शामिल कर दूंगी, अच्छा टेस्ट देंगे। अगर आप चाहें तो आप आलू और गाजर का भी पैकेट बना सकते हैं, लेकिन मुझे मटर अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इसमें भी थोड़े मटर शामिल कर रही हूँ। तो देखिए, सेकंड पैकेट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम थर्ड वाले पैकेट को रेडी करते हैं। अब मैं एक प्लेन पैकेट रेडी करूंगी जिसमें सिर्फ मैं मटर और आलू डालूंगी। इसमें हम कोई भी और वेजिटेबल ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए कितना आसान हो जाता है वेजिटेबल को स्टोर करना और उनको उनका इस्तेमाल करना। कुछ टाइम की मेहनत आपके बहुत सारे टाइम को सेव करती है। वैसे तो फ्रेश वेजिटेबल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो इकट्ठी वेजिटेबल को परचेज करते हैं और उसके बाद उनको फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में स्टोर कर देते हैं। तो आपको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पे वेजिटेबल को हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए रख देना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से आपकी कुछ वेजिटेबल ख़राब हो जाती हैं, कुछ सही रहती हैं, आधी आप फेंकते हैं और आधी आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल मत करिए। अगर आपको वेजिटेबल को इकट्ठे खरीद कर लाना है और उनको स्टोर करना है, तो आप उसको हाई टेम्परेचर पर रखें, फ्रीजर में रखें, और इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको मेथड बताया है, इस तरह से आप उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद उनकी कटिंग करें और उनको इस तरह से साफ पैकेटों के अंदर डाल के उनको फ्रीजर में स्टोर करें। फ्रीजर के टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो सब्जियों को ज़्यादा अरसा के लिए महफूज रखती हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो ये गलत है। फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं। जो कि हम नीचे वाले हिस्से में लो टेम्परेचर पर चीज़ें रखते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे, आपके रिज़्क को फराग करे, आपके दस्तरखान की रौनकों को हमेशा आबाद रखे। ये सब नेमतें अल्लाह ताला की अनायत की हुई हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करें, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल किया करें। रिज़क एक ऐसी नेमत है जिसको आप जितना बांटेंगे अल्लाह ताला आपके खानों को उतना ही फराग करेंगे, आपके लिए रिज़क के दरवाजे उतने ही फराग होते जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।